Sir, bilingual, sir. Hindi or English? Okay. You are from UP? Yes, sir. Manpuri. Okay. Who has won this time election of member of parliament from Manpuri? Sir, Samajwadi Party, former president Mulayam Singh Yadav, sir. So why is so famous in that area? What is kya contribution hai Pradesh mein ya aapke Manpuri development mein? Sir, जब मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स में आए उस समय जो वहाँ की परेशानियाँ थी, वहाँ की जो लोगों को दो तीन जो प्रमुख चीज़ें सर डेवलपमेंट हुए वो बताइए सर। उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कोई जॉब के लिए बड़ी कंपनी वगैरह लाए, ऐसे कंक्रीट एग्जांपल सर। सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया किसानों के लिए, और उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड वगैरह सर बनाए। एजुकेशन लेवल में भी उन्होंने काम किया, छोटे छोटे गांव वगैरह में स्कूल वगैरह भी खुलवाए सर। आपके हिसाब से यू आर सेटिस्फाइड विद द डेवलपमेंट ऑफ मैनपुरी? अगर हम सर पहले से कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है सर। चलिए, आप कह रहे हैं अच्छा, बताइए अभी जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कई न्यूज़ आपने अलीगढ़ का इंसिडेंट सुना होगा। yes. तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और मैक्सिमम यूपी से हो रही हैं, तो क्यों सरकार इसको हैंडल करने में सफल नहीं है? सर, ये जो समस्याएं हो रही हैं वो मेनली जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उस लेवल के नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। दूसरा सर, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और उसके लिए सर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं मिलने की वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेशन से निकल आते हैं वो तो कुछ सही रास्ते पे चले जाते हैं, बट कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेशन से नहीं निकल पाते तो वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, और ये सारी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। आपने लिखा है कि यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। यस। इससे क्या समझते हैं सर? नॉन क्रीमी लेयर दोज पर्सनल हु कम्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट एबल टू गेट द रिजर्वेशन। सरकार ने इसकी इनकम की लिमिट सर प्रेजेंटली इट्स 8 लाख पर एनम, बट बिफोर इट्स स्टार्टेड इन 1993 दैट टाइम इट वाज 1 लाख, सब्सिक्वेंटली इट चेंजेस इन 2004 4.5 लाख। अभी 8 लाख से कम वालों को नॉन क्रीमी लेयर में मानते हैं। मगर आपके बायोडाटा से लगता है कि आप कहीं जॉब में हैं। यस सर। तो आप अपनी इसकी इनकम दे रहे हैं या फादर की दे रहे हैं? सर, इन दिस क्रीमी लेयर क्राइटेरिया द इनकम इज काउंटेड फॉर द पेरेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई कंसर्न्ड क्रीमी लेयर। मगर आप जब जॉब में है तो आपको अपनी देनी चाहिए ना, वो तो जो जॉब में नहीं उनकी लिए। एंड सर लास्टली सर, आई एम इन सर्विंग इन इंडियन नेवी एंड माई सो इनकम समथिंग अराउंड 43,000, दैट्स ऑल्सो अंडर द 8 लाख क्राइटेरिया। उसमें आ रहा है? यस सर। आपने बीएससी किया हुआ है, उसके बाद एमएससी भी किया हुआ है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, बीएससी भीमराव अंबेडकर। यस। ये बताइए, भीमराव अंबेडकर की आजकल इतनी पब्लिसिटी हो रही है और इनके नाम से इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, स्टैच्यू बन रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाई है अकेले एक आदमी को इतना हाईलाइट करना? आप अपना व्यूज दीजिए, है तो है, आप जस्टिफाई है कि एक से बड़े लोग रहे हैं, नेता रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, और जिससे जितना इनको हाईलाइट कर रहे हैं सर, आई थिंक इट्स जस्टिफाइबल। सर, जो अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किए सोसाइटी के लिए वो काफ़ी अच्छे काम रहे हैं उस टाइम के हिसाब से, और वो आज भी उतने ही सही साबित हो रहे हैं।
और सर अकेले हम उनको ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर हम देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है जो हमारे जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए है। तो सर क्या है कि आप कोई भी किसी भी इंसान को जिसने अच्छे काम किए हैं, जिसकी एक अच्छी विचारधारा रही है, जिसने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है, जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और हो सकते हैं, अगर हम उनमें से किसी एक को भी और सारे लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं तो ये सर जस्टिफिकेबल है। सर आपने देखा बायोडाटा से यू हैव अपीयर्ड इन CDS, CAPF सो मेनी टाइम्स सर, तो ऐसा क्या आपने एनालाइज किया अपने परफॉर्मेंस में जो फाइनली सक्सेस नहीं मिला, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, कुछ एनालाइज करता है आदमी हर साल कैसे? सर पहले मैं BSc किया था सर, उसके बाद फिर मैं जॉब में गया, मैंने ये सारे अटेम्प्ट्स जॉब ज्वाइन करने के बाद दिए। तो सर इनिशियली मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्टूडेंट था, बट जब मैं इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ तो मुझे सर सबसे पहले इंटरव्यू कितने बार गए इंटरव्यू? सर मैं 3 बार CDS के इंटरव्यू के लिए गया। CDS के इंटरव्यू तक जाते? यस सर, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ सर ऑल 3 टाइम्स, बट अनलकीली नॉट रिकमेंडेड फॉर सर, इट्स माई 7th अटेम्प्ट सर। कितनी बार जा चुके हैं सर? इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर इंटरव्यू। अच्छा, तो दिस टाइम यू शुड मेक इट, वी होप। यस आई होप, आई होप फॉर दैट। तो उसके लिए आप मेहनत करें सर। और ये बताइए CAPF में व्हिच इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? सर माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज CISF, CISF सर। तो आपने CISF का जॉब प्रोफाइल पढ़ा है, व्हाट दे हैव टू डू? Sir, presently I'm serving in Navy and I have regularly interaction with the CISF personnel on seaports, airports also. So I able to understand their work profile bit closely because I'm working on naval aviation. So in airport we interacted regularly, sometimes in seaport too. So that's why I have chosen CISF, sir. CISF airport pe. Earlier it was only local police, state police. Yes. Like IGI Delhi. Yes. I know Delhi police officials. Yes, sir. Were there for security check. So CISF ko ye diya gaya hai, what way they are better as compared to state police? Sir, firstly state police ki kuch restrictions hain. Unko hum jyada automatic weapons nahi de sakte. उस तरीके का उनका ट्रेनिंग नहीं होता है, उस तरीके की जो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी स्लैकनेस रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा सर, जब हमारा कंधार वाला इशू हुआ और फिर जो अमेरिका में अटैक हुए, उस तब हमने CISF को पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे लगाया, उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो इस तरीके के इंसिडेंट नहीं हुए हैं। तो सर CISF को वहाँ पर लगाना और इस तरीके के इंसिडेंट का अभी तक ना हो पाना, ये मतलब बताता है कि CISF एक अच्छा सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा बताइए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी 2 देशों की यात्रा पर गए सर, तो क्या मुद्दे, मेन मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए? एक तो मालदीव की विजिट हो चुकी है। यस सर, कुछ बताइए क्या क्या मुद्दों पर डिस्कशन हुई? सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली ही अभी कल ही गए थे शायद वो, फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पहले से कोर इशू रहा है कि वहाँ पर चाइना का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, चाइना वहाँ पर अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट करने की बात कर रहा था, तो इसके रिलेटेड कुछ रहे होंगे सर, बट मैं सर न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और पता करूँगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना हमारी नेबरहुड सर, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है सर। हाँ, तो नेबरहुड पॉलिसी, ये बताइए ये टेररिज्म जो है हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, हाउ वी कैन हैंडल दिस टेररिज्म? सर काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। यस सर, बिकॉज रीजंस क्या हैं सर? यस सर, इसका क्या है कि एक तो पैटर्न चेंज हो गया, पहले ये क्या है स्टेट स्पॉन्सर्ड लाइक पाकिस्तान से आता था, बट आजकल हमारे ही लोग टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसको हैंडल करने के लिए हमें फिर से वही सर, एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारे जो फैक्टर्स हैं
इनकी वजह से ही लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो हमें सर इन पे ध्यान देना ही पड़ेगा और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे ये सर प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी सर। एट द सेम टाइम वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम्स दैट इज इन डिस्टर्बिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी। यस सर। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय है नेक्स्ट स्लाइड के लिए? सर इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे लिए धीरे धीरे एक प्रॉब्लम पहले से रही है, पहले कुछ ज़्यादा थी। अभी सरकार ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाई हैं, काफ़ी तरीके के ऑपरेशंस किए हैं जिनसे ये मैक्सिमम जगह पे अंडर कंट्रोल है सर। कहीं कहीं पे अभी थोड़ा कंट्रोल करना बाकी है, बट इसके लिए सर जो उनकी डिमांड्स हैं उनको थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा, उनके साथ कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, वहाँ पे स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। सर सी आई एस एफ का जो मेन काम अगर हम देखें वो एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स और PSUs में है, तो वहाँ पर क्या है कि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है। तो पब्लिक डीलिंग के लिए भी एक हम्बलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए। दूसरा सर जो मैंडेट है CISF का वो हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से काम करने चाहिए, रूल्स क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। दूसरा सर जो ट्रेनिंग, यस सर, हार्ड वर्क, यस सर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स आप नहीं बता रहे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्टर संजय सर, there was an attack on the Balakot. Yes. Why the ministry has chosen only the air strike, not the other kind of strikes? Because sir, previously in 2016, 29 September, India already done the surgical strike, and after this Balakot attack, Pakistan already aware India will do something, and they assuming yes they will do, they might be did surgical strike like previous one. So to avoid the other some problems, so India chosen air strike sir, and it's much better than if we talk about the perspective of some damage, and it can be done easily with the aircraft, and it can be more harmful for the Pakistan. The oppositions are saying that this air strike was basically a political gimmick. Are you agree with this statement? Sir, I'm not agree with this statement because these surgical strikes took place, and if we talk about the national security, we all need to be together at a particular point of time. There is no conflict, there shouldn't be any conflict between the politician for this, sir. It was inappropriate. I think India already think yes we not have we didn't attack any other country, but sometime it happens like this Pulwama attack. These steps I think some up to some extent necessary to give a message to Pakistan and other countries, if you will not stop terrorism and such activities against India, then we will retaliate. Whether you have participated in the biggest festival of democracy this year? Sir, have you casted your vote? This time I couldn't franchise my vote due to I was in unit, and there is a provision of some postal ballot, but I couldn't use it this time. Why? No specific reasons for that, but I want to franchise but couldn't franchise this time. So there might be certain reasons behind this. You don't want to change the government, you don't want to participate in that. I want to participate sir, but I couldn't this time sir. But what is the most important factor which is basically affecting the voting behavior in our country? Sir, this is EBM sir. EBM is very easy to vote.
if we talk about our literacy rate, it's about 74%. So more than 25% people are not illiterate. And in ballot problem, ballot paper voting, there is some problem. People's ink jo hai wo sir kahin idhar udhar ho jata hai, to vote kharab hone ka chance rehta hai. But such type of chance is very less in EBM, and EBM very easy. It's very easy to transport one place to another place. It's very difficult to have rigging. So sir, EBM comes with very different difference like the previous voting, sir. Okay, you are working at Naval Air Station. Yes, sir. Which challenge, which either the CIS or the Naval is facing more challenges? Sorry, sir. Which one is facing more challenges? Either CIS or Navy? Sir, every agency has its mandate. We talk about Navy, it's mandate to guarding the maritime security beyond entire the world. But if we talk about the CISF, CISF mandate is something different. So if we talk about the difficulties, it's very difficult to find out. But sir, फिर भी मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो भी काबिल तारीफ हैं। तो एक चुनौती को छोड़ के दूसरी चुनौती पे आ रहे हैं। I think that naval is facing more challenges than the CIS. Maritime security is one of the vital factor which is basically affecting to the internal security of the country. Yes sir. And you are stepping from there to here. No no sir. Actually maritime security handled by the Indian Navy, Indian Coast Guard, Coastal Police of States. Including CISF also, CISF personnel also posted nearby the seaports. So there is should be a coordination between all agencies. But if we talk about the difficulties, it might be some more to Navy, but almost it depends upon the mandates. You have three hobbies: swimming, horseback riding, and you have also participated in cultural program. Yes. Do we have any kind of international plan to exchange our cultures? Sir, I participated in SIPS and Squadron anniversaries, and those act like drama, group dance like that. But there are some provisions to have cultural exchanges with the other countries. In NCC also there was a camp for the cultural actions, but I never got any chance, and till now I never think about that on the international level. So what is this horseback riding, not front riding? Sir, it's a horseback riding, sir. Yeah. So what is it, sir? In this event, a person rides on the back of horse. मतलब जो पीठ होता है ना, मतलब घोड़े का सर, उसमें बैठ के उसको राइड करते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड हॉर्स बैक राइडिंग। और कोई दूसरा भी काइंड होता है हॉर्स राइडिंग का? मुझे लगता है तरीका तो सर यही है, नाम में भी हो सकता है कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हॉर्स राइडिंग बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसको हॉर्स बैक राइडिंग बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश वाली हॉबी का? नहीं नहीं सर, इट्स ए ओनली नेम डिफरेंस, बट एक्टिविटीज से। You said that the terrorism has changed its pattern. Yes, sir. You are referring to this. The solutions which are provided by you, do you think that these solutions are enough? Sir, किसी भी चीज़ का करेक्शन करने के लिए उनके जो एक लिस्ट है वो कभी न कभी लंबी होती ही रहती है. उनके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम अराइजेज एंड व्हाट टाइप ऑफ नेचर इज इट, and then we think out on that particular problem and find out the solutions. So there is always a gap for the betterment of the solutions. Have you heard the name of private armed groups? No sir. Sir, aapne kaha Ambedkar ne society ke liye bahut kaam kiya, isliye unko बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या अम्बेडकर ने
ऐसा कौन सा काम किया जो गांधी ने नहीं किया सोसाइटी के लिए? दो चार काम बताइए जो गांधी से ज़्यादा अम्बेडकर ने उस सोसाइटी के लिए हुआ। सर पढ़ा है अम्बेडकर जी के बारे में? यस सर पढ़ा है सर। किताब तो नहीं सर, जो हिस्ट्री में कुछ हाँ थोड़ा बहुत हाँ बायोडाटा पढ़ा है सर। सर उन्होंने सर मैं देख पा रहा हूँ कि सर उन लोगों के जो काम है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। सर उन्होंने जो शूद्र हुआ करते थे उस टाइम उनके लिए काम किया, उनके लिए उनका सर जो एक कम्युनल अवार्ड जो 1935 में आया था, 1932 में जो आने वाला था, तो उसमें सर क्या है कि उनको जो एक रिप्रेजेंटेशन मिला था अलग से वोट करने वाला, तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि आगे चल के डिवीज़न हो जाएगा सोसाइटी में। तो हाँ सर बट 71 मिला था सर, बाद में 147 पे जो उनको रिजर्व कर दिया गया था। नहीं उनको क्या है कि वोट करने का अधिकार तो सबको था। आपने कहा कि जो रेप वगैरह हो रहे हैं वो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, आपको नहीं लगता पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जितना कि सेक्स रेशियो कम? नहीं सर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डायरेक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि लोग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन कम हो पा रही है, तो क्या वो गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। बट सर सेक्स रेशियो का कम होना भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन अगर हम मॉरल एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अलीगढ़ में हुआ वो 2-3 साल की बच्ची है, जम्मू कश्मीर में हुआ था वो 8 साल की थी, तो ये मॉरल एजुकेशन है सर। आपने एक बात और बोली थी कि अगर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो हमारे यहाँ जो टेररिस्ट फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। अच्छा अधिकतर टेररिस्ट जो बन रहे हैं वो या तो डॉक्टर या इंजीनियर हो रहे हैं, तो वो तो वेल एजुकेटेड है, फिर आप कैसे कह रहे हैं एजुकेशन को बढ़ावा दे करके हम टेररिस्ट को रोक सकते? सर ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि ये सर एक प्रोपेगेंडा है, लोग जो टेररिज्म फैला रहे हैं वो इस तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनके साथ कुछ ना कुछ सिंपैथी लेके और वो जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसको हम या ये कह सकते हैं काउंटर प्रोपेगेंडा हमें अपनाना पड़ेगा, वो लोग जिस विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें जो लोग एजुकेटेड हैं उनको और अच्छे से समझाना पड़ेगा कि नहीं हम वो जिस रास्ते को चुन रहे हैं या जिस रास्ते की तरफ सिंपैथी दिखा रहे हैं। समाजीकरण हुआ ना कि एजुकेशन? नहीं सर हमें क्या है कि वो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है शुरुआत से लोगों को इस तरीके की चीज़ों को बताना पड़ेगा, क्योंकि सर अभी हम देखते हैं कि ऐसा कोई एकेडमिक में कहीं ऐसी चीज़ें ऐड कम करी गई हैं, उनको और ज़्यादा लेवल से और जोड़ना पड़ेगा। आपने वॉलीबॉल खेला है? यस सर। अब इंडियन वॉलीबॉल टीम का कैप्टन कौन है? सर गुरिंदर सिंह। सर अभी हाल ही में कोई उपलब्धि इंडियन वॉलीबॉल टीम की? वॉलीबॉल में राइट डिफेंसर ज़्यादा चैलेंजिंग जगह होती है या लेफ्ट डिफेंसर? सर राइट का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो अटैक्स जो हमारे या ये बोले कि जो स्पाइकर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, और राइट हैंड से जब वो स्पाइक करते हैं तो वो राइट साइड में जाते हैं काउंटर टाइप में, काउंटर अपोनेंट की तरफ, तो जो स्पाइक से वो बहुत ही स्पीड से आता है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। Disaster recently. In Tamil Nadu, sir. Kerala, sir. Southern part of our country. What kind of legislative, what kind of policy making, and what kind of constitutional provision we have? Sir, last year disaster, na? Yeah. Biggest 10. Sir,
फॉर दिस वी हैव वेरियस एजेंसीज एट वेरियस लेवल्स लाइक NDRF फॉर रेस्पॉन्स टीम एंड सर NDMA नेशनल डिजास्टर NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एंड सर वेरियस एजेंसीज लाइक NDMA डिस्ट्रिक्ट लेवल DDMA एंड स्टेट लेवल SDMA सर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज सॉरी एजेंसी लाइक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी legislation we have, constitutional provision we have regarding managing the disaster. Sir, I don't know, sir. That tragedy occurred in Surat. Sir. Recently where the children. Yes, sir. Were killed. So, what are your comment on that tragedy? Sir, हाँ, sir, एक कोई committee I think 2009 की आई थिंक 2009 में ही बनी है वो कुछ है कि जो बिल्डिंग्स होना चाहिए वो सर आई थिंक इट्स ए मैनमेड डिजास्टर बिकॉज इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते थे वहाँ पर जो कभी कभी देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी गली होती हैं या कभी कभी देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से जो लैडर्स स्टेयर्स होते हैं बहुत छोटा नैरो पैसेज रहता है तो अगर ऐसा कुछ प्लान है पहले से तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ये तो सर कम्प्लीटली मैनमेड डिजास्टर है चलिए थैंक यू वेरी मच योर फॉर्मल इंटरव्यू इज ओवर वी कॉल फॉर आवर सजेशन फीडबैक एंड कमेंट